हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करने वाले हैं आपके सामने जीडी के लिए स्पेशल और सीजीएल की बात, क्योंकि हम लोग एक दिन देखते हैं चैप्टर और दूसरे दिन देखते हैं एमसीक्यू, ताकि एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाए और सामने जितने सारे आपके चैप्टर पड़े हैं, या हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटी की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने कल देखा हाई कोर्ट जुडिशियल सिस्टम यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज देखेंगे मिलीजुली सरकार, दैट मीन्स मिक्स्ड क्वेश्चंस, चाहे पॉलिटी की हो या साइंस बेस्ड हो या फिर ज्योग्राफी बेस्ड हो। और एक कमेंट बॉक्स देख रहा था, कई सारे बच्चे टाइप कर रहे थे कि सर हिस्ट्री करवा दो, मिडाइवल इंडिया यानी दिल्ली सल्तनत नहीं हुआ है। तो गाइज, एक दिन हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, और जब नेक्स्ट डे यानी जिस दिन केवल और केवल सीजीएल की बात करेंगे यानी चैप्टर वाइज, तो हम लोग कल देखेंगे हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मिडाइवल इंडिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर कि आज कौन कौन सा क्वेश्चन है और किसमें कितना एकदम कितने लोग सही लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? रेन वाटर, वर्षा का जल, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट या एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। गाइस चलिए बताइए किसका पीएच मान 7 है। चलिए जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जल्दी जल्दी बताओ, मनप्रीत कौर ने कहा वाटर, अभी गुप्ता जी वीडियो की भी रीजनिंग एसएससी की तरह है, इसलिए परेशान नहीं होना है। जो एसएससी क्लास करते हो आप आराम से वीडियो की रीजनिंग कवर कर सकते हो। चलिए गाइस, लगभग लोगों ने तो सही जवाब कहा रेन वाटर, लेकिन एक ऑप्शन नंबर 4 गौर से समझना, एसिड रेन। कमेंट बॉक्स में जरा टाइप करके बताएं कि एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है। आई बातें समझ में? यानी मैंने कहा एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होगा, क्योंकि और एक चीज और, सबसे शुद्ध जल, प्योर वाटर की बात करें यानी शुद्ध जल की बात करेंगे, क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं कि इनमें से सबसे शुद्ध जल कौन सा है, बारिश का पानी, बारिश का जल। अगर हम देखिए, कई लोग कह रहे हैं 6.5, अगर हम एसिड रेन की बात करेंगे गाइस, तो पता है ये 5 to 6.5 के बीच वैरी करता है, यानी अम्लीय वर्षा 5 to 6.5 के बीच पीएच वैल्यू होगा। आई बातें समझ में? जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहे कि सबसे शुद्ध जल प्योर वाटर किसका होगा, वर्षा का जल, ठीक है। चलिए पीएच स्टैंड्स फॉर द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, ये 2015 में जब रेलवे का पेपर हो रहा था, तब 2015 में रेलवे के पेपर में पूछा गया कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ हाइड्रोजन विच इज अ मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी। पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, जो शरीर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता की माप है। कुल पीएच पैमाने में 1 to 14 के बीच वैरी करेगा, और पीएच की खोज किसके द्वारा की गई, सोरेनसन, ठीक है। देखो नेहा कुमारी ने कहा सोरेन, मैं पूरा बता दूं सोरेनसन, किसने किया, सोरेनसन ने। और 7 to less पीएच को अम्लीय कहा जाएगा, और 7 to more होगा तब क्या होगा, क्षारीय। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु परपोंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या कहें बिपिन चंद्र पाल। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बालाजी एडुकेटेड गाइज, आज भर मैनेज करो, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम चेंज कर लाएंगे इसको।
शांतिपूर्ण प्रतिरोध की बात करें तो चार देखिए महापुरुष हैं, या हिस्ट्रियन कहें या इतिहासकार कहें, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। देखिए अरविंदो घोष ने किया, अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो एक अंग्रेज इतिहासकार थे वेलेंटाइन चिरोल, समझना बात को कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा, भारतीय अशांति का जनक, इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा, वेलेंटाइन चिरोल ने। भारतीय अशांति का जनक यानी इंडियन अनरेस्ट, आपके इंग्लिश में पूछे क्या जाएंगे, इंडियन अनरेस्ट। आई बातें समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इज ऑथर्ड बाय अरविंदो घोष, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष द्वारा लिखित है या लिखा गया। इट इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स बाय अरविंदो घोष विच आर पब्लिश्ड इन अप्रैल 1907। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष द्वारा लिखी है। देखिए मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, सुशील कुमार जी कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक नरम दल का नेता। गाइज गरम दल, नॉट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। बाल लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लीडर्स बिलोंग्स टू एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल। ठीक है, यानी अरविंदो घोष द्वारा लिखित है और ये 1907 में प्रकाशित हुआ, किसमें, वंदे मातरम में। किसमें प्रकाशित हुआ था, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, वस्त्र उद्योग अनुसंधान संस्थान भारत में कहां स्थित है, अहमदाबाद, कानपुर, शिमला, हैदराबाद। चलिए देखिए वीर सलमान ने एक अच्छी बात बताई, केसरी न्यूज़पेपर बाय तिलक। गाइज मैं बता दूं, केसरी और मराठा दो न्यूज़पेपर था। तो क्वेश्चन क्या आता है, सो देखिए कि कौन से न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में लिखे गए थे। मराठा की बात करेंगे, एग्जाम हॉल में लगता है मराठा है तो मराठी में लिखा होगा, जबकि बिल्कुल उलट, ये इंग्लिश में, और केसरी की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ था मराठी में। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। वस्त्र उद्योग अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कहां है, अहमदाबाद। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। और हैदराबाद की बात करेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित राजधानी जो मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, और अहमदाबाद की स्थापना की गई अहमद शाह के द्वारा, अहमद शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और यह साबरमती नदी के किनारे। आई बातें समझ में, और कानपुर तो पता ही है ना। कानपुर के बारे में कहा जाए तो हाल फिलहाल में एक डेटा आया था, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित गंदगी के मामले में इंडिया में नंबर वन था। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देख लीजिए, अहमदाबाद इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, वस्त्र उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, कॉफी इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है, लिप्स पत्तियों से, फ्रूट्स फ्लों से, सीड्स बीजों से, या फ्लावर्स पुष्पों से या फूलों से।
सत्यम जी ने कहा सर जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, बहुत बढ़िया। अमित कुमार जी क्लास की बात करें तो अभी जीए से क्लास 4 to 5, 4 से 5 के बीच। सुजीत कुमार ने कहा सेड्स, विजय कुमार सेड्स, प्रशांत सेड्स, भाई देखो बहुत बढ़िया। अगर पौधे की बात करें, कॉफी की बात करें, तो भाई वो बीजों से प्राप्त की जाती है। सर हम लोग देखिए आज डिजिटल युग में हैं, न्यूज देखते हैं या फिर एड देखते हो, कॉफी का एक एड आता है टीवी में, तो जंगल में बीज को चुना जाता है, चुनने के बाद उसे क्या ड्राई किया जाता है, यानी पौधे के किस भाग से, तो बीज से, सीड से कॉफी प्राप्त की जाती है। अगर कॉफी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में कहां? ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी कहां होता है? ब्राजील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ईयर इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ द पॉपुलेशन, किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921, 1911, 1931, 1951। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ कॉफी बॉल भी बोल सकते हैं उसको, है ना। विवेक कुमार जी ग्रुप डी के लिए परेशान मत होइए, जब भी ग्रुप डी का डेट अगर क्लियर कर दिया जाएगा जैसे एएलपी का किया था, निश्चित रूप से आपको इन्फॉर्म करेंगे। देखिए अगर 1921 कहा, बहुत लोगों ने 1921 कहा, दैट इज राइट आंसर। अब सवाल उठता है सर महान विभाजक वर्ष क्यों कहते हैं इसे, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहते हैं, 11 को क्यों नहीं कहते हैं, 31 को क्यों नहीं कहते हैं, 51 को भी कहते हैं, रीजन बिहाइंड, रीजन क्या है? अगर हम जनसंख्या की बात करें, सेंसेस की बात करें, तो सबसे पहले जो सेंसेस हुआ था 1872 में, समझना, फर्स्ट सेंसेस, पहली जनगणना 1872 में की गई लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। अगर दूसरे की बात करें 1881, 1881 रेगुलर, रेगुलर यानी नियमित 10 वर्ष के अंतराल पर, रेगुलर इंटरवल फॉर 10 ईयर्स, 1881, 1881 लॉर्ड रिपन। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, 1872, गवर्नर जनरल या वायसराय कौन, लॉर्ड मेयो, नियमित रूप से जनगणना रेगुलर इंटरवल यानी 10th पर, एवरी 10 ईयर्स, प्रत्येक 10 वर्ष में, 1881 लॉर्ड रिपन के समय। गाइज ये तो सही था, लेकिन क्वेश्चन कहा कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहेंगे 1921 को, कारण क्या था कि 1921 की बात करेंगे तो 1914 से लेकर 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, और इस वर्ल्ड वार में कई सारे इंडियन आर्मी अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए गए थे वहां, और 1921 में जनसंख्या निगेटिव हो गई थी, यानी 1911 से जनसंख्या, मान लो 1911 में जनसंख्या 100 करोड़ है, तो 1921 में जनसंख्या घटकर 98 करोड़ या 99 करोड़ हो गई, यानी पॉपुलेशन नेगेटिव हुआ था, इस कारण से ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है 1921 को। आई बातें समझ में? कोई कंफ्यूजन? चलिए गाइस कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़े फिर और कुछ देखें। चलिए और भारत की बात करें, जनगणना की बात करें, तो 11 जुलाई हम लोग क्या मनाते हैं, जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 11th जुलाई।
चलिए शिवम कुमार जी आपका भी नाम लिया लेकिन जवाब तो दो भाई, ठीक है। और 1951 की बात करेंगे तो गाइज यहां से 1931 में बढ़ा, 41 में बढ़ा, 51 में जो बढ़ा सो बढ़ा, और 51 के बाद से जो पॉपुलेशन बढ़ाने में हमने चाइना के साथ कंपटीशन करी है सो 51 से फिर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। जीतू यादव जी परेशान ना होइए, देखिए वीडियो की बात करेंगे तो सेपरेट क्लास नहीं, लेकिन आपको यहां 4 से 5 और 7 से 8 दो वीडियो देख लो जीएस की, भाई काफी हद तक आपके जीएस कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखिए, आफ्टर द ईयर 1921 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज रैपिडली, 1921 ईस्वी के पश्चात भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर हाइट, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। वीडियो के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर। गाइस क्वेश्चन समझना कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर हाइट, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता। वैभव श्रीवास्तव जी जीएस कंप्लीट करिए गाइस, एक देखिए धीरे धीरे ही सही एक चीज कंप्लीट करिए, इसके बाद हिंदी की सोचेंगे। अभी मान लो हिंदी भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, तो कम से कम जीएस पार्ट तो स्ट्रांग करें। देखिए अगर ऊंचाई की बात करें अल्टीमीटर, देखिए एक चीज और समझना, एक क्वेश्चन इसी में जोड़ दूं मैं कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कितने हाइट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है उसकी जानकारी हमें मिलती है अल्टीमीटर से। जैसे देखोगे स्पीडोमीटर, स्पीडो मीटर हम लोग टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर कितनी गति से चल रही है, कितनी स्पीड से चला रहे हैं हम लोग, जानकारी किससे मिलता है, स्पीडोमीटर से। तो वैसे ही एयरक्राफ्ट कितने किलोमीटर के हाइट पर है पता कैसे चलेगा, अल्टीमीटर से। और चार ऑप्शन आपके सामने, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो गाइज एक क्वेश्चन का तो जवाब मैंने बता दिया, लेकिन क्यों ना इसे देखें, चार क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, है ना। देखिए बैरोमीटर की बात करेंगे, एन अल्टीमीटर इज यूज्ड मीजर हाइट, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे, हाइड्रोमीटर तो क्या करते हैं हम लोग, मीजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने का एक उपकरण है। और बैरोमीटर क्या था कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मौसम विज्ञान में यूज करते हैं साइंटिस्ट। एक क्वेश्चन और जोड़ दें कि मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, बैरोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की बात करें तो विद्युत धारा को मापने के लिए मीजर इलेक्ट्रिक करंट। और ये वाली क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछा गया है कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। चलिए हेमंत सिंह जी आपका भी नाम ले लिया, खुश है, अब जवाब दो दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। सी रंगराजन, विजय केलकर, वाई वी रेड्डी, एन के सिंह। अंकित सिंह जी आप जवाब, क्वेश्चन तो पूरा करो, पेड़ को मापने के लिए पेड़ का क्या मापना है, एज मापना है, ऊंचाई, मोटाई, थिकनेस, क्वेश्चन को पूरा लिखिएगा इस तभी तो मैं बता पाऊं कुछ। एएलपी क्या होता है सर, असिस्टेंट लोको पायलट, जो रेलवे के एग्जाम हो रही टेक्निकल ग्रेड की। रिलेटिव डेंसिटी यानी तुलनात्मक रूप से घनत्व, जैसे आप मिल्क की डेंसिटी देखो, वाटर की डेंसिटी देखो, देखो दोनों के अंतर है ना, तो वही है तुलनात्मक रूप से घनत्व क्या होगा। देखिए गाइज एन के सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सर सी रंगराजन भी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे,
विजय केलकर भी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वाई वी रेड्डी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो देख लें जल्दी जल्दी, 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह, 14th फाइनेंस कमीशन वाई वी रेड्डी, 13th फाइनेंस कमीशन विजय केलकर, 12th फाइनेंस कमीशन सी रंगराजन, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो के सी नियोगी, के सी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी थे। ठीक है, चलिए उत्सेक कुमार आपका भी नाम लिया, आई बातें समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी, कौन सी नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? एरी कैनल, स्वेज कैनल, पनामा कैनल या गोटा कैनल? गाइज मैं आप लोग से क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं ताकि जो जवाब दे दिए हैं और एक और क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए ताकि माइंड में सर्च करते रहें और जवाब तैयार रहे आपके सामने। ठीक है, चलिए, कौन सी नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? देखिए एक ने कहा स्वेज नहर, लगभग लोग तो कह रहे हैं स्वेज नहर, कोई कह रहे हैं ब्लैक कैनाल, जबकि ऑप्शन में ब्लैक कैनाल तो है ही नहीं गाइस। देखिए अगर लाल सागर को भूमध्य सागर की बात करेंगे तो ये स्वेज नहर है। इसको ना याद रखने का एक मैं ट्रिक बता दूं, देखो स्वेज की भूल, भूल यानी भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, स्वेज की भूल में तीन नहर, स्वेज नहर और लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। तो कौन सा नहर जोड़ेगा? स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। चलिए क्वेश्चन, स्वेज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विथ रेड सी, यानी कहें कि स्वेज कैनाल इज इक्वल टू मेडिटेरेनियन कैनाल प्लस रेड कैनाल। यानी याद रखने का तरीका आप जैसे याद रखो, स्वेज की भूल याद रखो या एम प्लस आर इज इक्वल टू एस, मेडिटेरेनियन सी रेड सी इज इक्वल टू स्वेज कैनाल। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नॉन एज, पर्वतों के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, लिथोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? गाइज वहां पे रेड सी का मतलब पानी लाल नहीं है, वहां पे पाए जाते हैं बहुत सारे शैवाल रेड कलर के, इस कारण से उसका रेड सी लाल सागर नाम पड़ा है। ठीक है, क्या है? जो शैवाल है अलगी, वो रेड कलर का शैवाल पाया जाता है, इस कारण से उसका नाम क्या पड़ा? लाल सागर। चलिए पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, यानी ओरोलॉजी इज नॉन एज माउंटेन्स, पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी की बात करें, कैंसर, कैंसर डिजीज की स्टडी को, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन बचा दो गाइस, तब तक कमेंट बॉक्स में टाइप करें लिथोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं और ऑर्निथोलॉजी, तब तक हमें देखें इधर सोचिए। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो अभी कहा मैंने द स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। लिथोलॉजी की बात करेंगे द स्टडी ऑफ द जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, जो आपका क्वेश्चन था कि चट्टानों की सामान्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? लिथोलॉजी। और ओरोलॉजी जो क्वेश्चन था आपका, पहाड़ों का अध्ययन, ओरोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्योंकि गाइस एक क्वेश्चन स्टडी से जरूर रहते हैं, एक क्वेश्चन स्टडी से जरूर रहता है। कमेंट बॉक्स में जरा टाइप करके बताएं, स्टडी ऑफ द ड्रीम,
स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए क्या होगा गाइज। डेमोनोलॉजी गलत। अभी तक कोई एक ऐसा कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया कि स्टडी ऑफ ड्रीम किसे कहेंगे। चलो मैं बता दूंगा, तब तक ये देखो। कोई नहीं, संविधान का अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स संविधान में पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच है, है ना। यानी मौलिक अधिकार कहां? तो पार्ट 3 में। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, 12 से 35, क्वेश्चन क्या रहा? 32, तो किसमें आएगा? मौलिक अधिकार में। आर्टिकल 32 को कहते क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? वेरी सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, जो बता चुका हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में भी और प्रेसिडेंट में रीट 5 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो ये लिया गया रसिया से। किससे लिया गया? रसिया से। ठीक है, आई बातें समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज द वेट ऑफ द बॉडी, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो पिंड का वजन क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या रिमेंस द सेम, या वही रहेगा, या में इंक्रीज और डिक्रीज, घट सकता है या बढ़ सकता है? चलो, विश्व मोहन ने कहा सर आई वांट टू बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर। गाइज पढ़ेंगे सर तो जरूर होगा, नहीं पढ़ेंगे तो बस केवल ड्रीम देखते रहेंगे हम। गाइस घट जाएगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? इफ द अर्थ रोटेशन इंक्रीजेज, अगर हम पृथ्वी का घूर्णन बढ़ाते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इच बॉडी, तो केंद्र अपसारक या केंद्र अपसारी बल हर पिंड पर बाहर की दिशा में कार्य करेगा, लेकिन बट ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण वह इसे दूर नहीं कर पाएगा, इसलिए घूर्णन बढ़ने पर पिंड का भार क्या होगा? कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मच फंड हैज द यूनियन गवर्नमेंट अलोकेटेड फॉर इट्स न्यू ऑपरेशन ग्रीन मिशन, अपने नए ऑपरेशन ग्रीन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितना फंड आवंटित किया है? बहुत बढ़िया। देखो नरेश जी ने कहा स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज ऑनिरोलॉजी, बहुत सही। चलिए गाइस करंट क्वेश्चन बताओ क्या होगा, अपने नए ऑपरेशन ग्रीन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितना फंड आवंटित किया है? ₹500 करोड़। कितना किया? 500 करोड़। द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च ऑपरेशन ग्रीन, क्यों किया? ऑपरेशन ग्रीन शुरू करने की योजना बना रहे इसलिए ताकि जितने भी किसान के जो फसल हैं
वो अच्छे तरीके से रहें और उनको वाजिब दाम मिले। विद द क्रॉप्स ऑफ 500 करोड़, इट विल प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर्स, यानी यह किसान प्रोड्यूसर्स उत्पादक जो संगठन है FPO, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। यानी जितने भी किसान अपने फसल को रखेंगे तो कोल्ड स्टोरेज में अच्छे तरीके से रख सके हम। जब कोल्ड स्टोरेज में अच्छे तरीके से रखेंगे तब क्या होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे। इस कारण से गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है, सानिया मिर्जा टेनिस, पीवी संधू बैडमिंटन, मैरी कॉम बॉक्सिंग, पंकज अडवाणी रेसलिंग। अनूप सिंह जी, ऑपरेशन ग्रीन की बात करेंगे तो किसानों को जितने सारे फसल हैं उनको फसल को सुरक्षित रखने के लिए, किसान की अच्छी आमदनी बढ़े, इस कारण से ऑपरेशन ग्रीन को लाया गया। देखिए क्या होगा गाइस, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। बिलियर्ड्स, किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड्स से। यानी सानिया मिर्जा टेनिस क्वीन, पीवी सिंधु बैडमिंटन क्वीन, मैरी कॉम बॉक्सिंग क्वीन और पंकज अडवाणी की बात करेंगे तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय द बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है, नागालैंड असम पश्चिम बंगाल त्रिपुरा। गाइस क्वेश्चन समझना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्न में से कौन सा, पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा। चलो बहुत बढ़िया, रोशन गुप्ता ने जवाब दिया त्रिपुरा सबसे पहले, इसके बाद लोगों ने जवाब देना शुरू किया त्रिपुरा, बहुत बढ़िया। सर देखो तोड़ो इसको, त्रि त्रि यानी तीन, जो तीन ओर से घिरा हो त्रिपुरा, तो किसके तरफ से, बांग्लादेश के तरफ से। अगर बांग्लादेश की बात करें तो कौन कौन से स्टेट भारत की बाउंड्री टच करती है इससे, अमित त्रिमी वाह, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम पश्चिम बंगाल, यानी कितने राज्य टच करते हैं तो चार पांच राज्य टच करेंगे, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करती है किससे, बांग्लादेश से, और इसके बाद दूसरा नंबर पे चाइना, कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बाउंड्री टच करेंगी बांग्लादेश से। आई बातें समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 15, हुज सिग्नेचर इज इम्प्रिंटेड ऑन 1 रुपी नोट, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, गवर्नर ऑफ आरबीआई आरबीआई के गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव। देखिए 1 रुपये की नोट की बात करेंगे तो फाइनेंस सेक्रेटरी, बाकी बात जितने सारे 1 रुपये के बाद तक का जो नोट है वो सीधा आ जाएगा आरबीआई के गवर्नर के रेंज में, इसलिए कभी कभी ग्वाइस पूछा जाता है हम लोग बिहेवरेज में, 1 रुपये के नोट और 2 रुपये के नोट में क्या अंतर है, तो फाइनेंशियल प्लेस वैल्यू की बात नहीं करेंगे, क्या अंतर है, अंतर यही है कि 1 रुपये की नोट इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के अंदर, बाकी बात 1 रुपये नोट के बाद जितने सारे नोट हैं वो आ जाएंगे आरबीआई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव कल्हण कालिदास मेगास्थनीज। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव
जयदेव थे, कल्हण थे, कालिदास थे या मेघास्थनीज? चलिए 16 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तभी तो पता चले। देखिए, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना, कल्हण की बात करेंगे तो राज तरंगणी, राज तरंगणी, मेघास्थनीज इंडिका, और कालिदास की बात करें तो मेघदूतम, मेघदूतम, कुमार संभव, कुमार संभव। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया? निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। चलिए बहुत बढ़िया, अगर 16 में गाइज 12 तक सही है बहुत अच्छा है, 16 क्वेश्चन में अगर 12 तक सही है तो बहुत बढ़िया है, यानी एकदम हमारी तैयारी अच्छे तरीके से गति कर रही है, जा रही है। भाई 16 जिसका सही है तो फिर कहना नहीं है भाई, ऐसा मत बना लेना एग्जाम हॉल में ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन अगर 16 में 16 सही है तो फिर कहना ही नहीं है सर, इस बार SSC आप कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए अगर हम बात करें चार नदी में तो सतलुज का उद्गम कहां? मानसरोवर, लैक, तिब्बत। बाकी बात ब्यास, चिनाब, रावी, इन तीनों की ओरिजिन या तो हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से एकमात्र नदी सतलुज है जिसका जिसकी ओरिजिन कहां? मानसरोवर झील, जो कहां पड़ता है? तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 18। हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का विधि मंत्री, द अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी या रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी की बात करें तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे कौन? तो आप प्रेसिडेंट। कमेंट बॉक्स में गाइस टाइप करके जरा बताओ कि महान्यायवादी वर्तमान समय में कौन है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है अभी, क्योंकि करंट में आपको पढ़ाया जा चुका है, पढ़ा चुके हैं करंट में। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो दीपक मिश्रा, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट, हम लोग देख चुके हैं। के वेणुगोपाल, बहुत बढ़िया। आर्टिकल नंबर 76। द अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, जो काम क्या है इसका? तो कानूनी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह मशवरा देता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे दिए गए अन्य कार्य जो कानून से जुड़े हुए हैं उन्हें करता है। ना ही इनकी टेन्योर फिक्स है, अवधि भी फिक्स नहीं है कब तक रहेंगे ये, और ना ही इनकी सैलरी फिक्स है, तो ये कब तक काम करेंगे, इनकी सैलरी क्या होगी, सब कुछ डिटरमाइन करेगा इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। The Union Government has proposed to extend the reach of Ujjwala Yojana to how many poor women in 2018-19? केंद्र सरकार ने 2018-19 के बजट में कितनी गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना तक पहुंचने का प्रस्ताव किया है? 4 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़ या 6 करोड़? केंद्र सरकार ने 2018-19 में कितनी गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना, आपको पता ही होगा उज्ज्वला योजना क्या है, कि प्रत्येक परिवार को 5 kg को जो सिलेंडर है, गैस है, वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। देखिए 8 करोड़
का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि गाइस यही सब क्वेश्चन गड़बड़ करोगे एग्जाम हॉल में जाकर, जितने डेटाबेस क्वेश्चन है। इस कारण से जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो आप पीडीएफ मिलता है, उससे नोट डाउन कर लो या स्नैपशॉट ले लो, जैसे भी हो ये सब क्वेश्चन डेटा वाइज क्वेश्चन को आप गड़बड़ नहीं कर रहा। द लोअर एंड मिडिल क्लास हैव बीन द फोकस ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड उज्ज्वला योजना अर्लियर टू मेक पुअर वीमेन फ्री फ्रॉम द स्मोक ऑफ वुड। पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्न और मध्यम वर्ग पर एनडीए सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी ताकि गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त बनाया जा सके। हालांकि प्रारंभ में उनका लक्ष्य लगभग 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन करना था, लेकिन अब 8 करोड़ है। कई लोग जो 5 करोड़ कह रहे थे, ये सर शुरुआती लक्ष्य था, सरकार ने क्या किया, लक्ष्य को बढ़ा दिया। अगर क्वेश्चन कह दे कि शुरुआती लक्ष्य कितना, 5 करोड़, अब कितना हो गया, 3 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच कंट्री रिवर इरावदी फ्लोज, किस देश में इरावदी नदी बहती है, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड। चलिए, उत्तम सिंह ने कहा सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, उत्तम बहुत बढ़िया। तो गाइज लगभग 600 हमारे पास कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वाकई में आपको बातें समझ में आ रही है तो सर एक लाइक तो बनता है, तभी तो समझ पाए कि वाकई में आपको बातें समझ में आई, कुछ नया चीज सीखने को मिला यहां। ठीक है, एनडीए सरकार का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राजग। ठीक है, और ये रहा आपके सामने आंसर, क्या होगा, म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा, पुराने समय में म्यांमार की राजधानी रंगून, जिसको आज जानते हैं हम लोग नाइपी ते के नाम से। इरावदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन म्यांमार, इरावदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, और यह लंबी है तभी तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह जाती है ये, यानी कहां उत्तर से शुरू हुआ और दक्षिण तक पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ पेट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल का एक प्रमुख घटक है, पेंटेन जिसका केमिकल फॉर्मूला C5H12, ऑक्टेन जिसका केमिकल फॉर्मूला C8H18, मीथेन जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4, हेक्सेन या जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H14। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, पेट्रोल का एक प्रमुख घटक कौन सा है। पेट्रोल के प्रमुख घटक की बात करेंगे तो गाइज ऑक्टेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला C8H18। हमेशा याद रखिए, केमिकल फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ सन इज अबाउट, सूर्य की सतह पर लगभग तापमान कितना है, 8 × 10^15 या 500 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट, सूर्य की सतह पर तापमान कितना है। अगर सूर्य की सतह की तापमान की बात करें, ये हो गया देखिए सन, ये बाहर वाली जो भाग है इसकी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। जो कोर की बात करेंगे यानी केंद्र की बात करेंगे, बीच वाले की भाग की बात करेंगे, तो इसकी टेम्परेचर 2000000 डिग्री सेल्सियस है गाइज, यानी बाहर का भाग 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, कोरोना, कहीं कहीं किरीट भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द 18th जकार्ता एशियन गेम्स 2018। हाल फिलहाल कल परसों का क्वेश्चन है ये, बताओ 18वें जकार्ता एशियाई खेल 2018 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, अपूर्वी चंदेला, नीरज चोपड़ा।
चलो, सिद्धार्थ रजक ने सबसे पहले कहा बजरंग पुनिया, बहुत बढ़िया। यानी बजरंग पुनिया ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता इस बार। बजरंग पुनिया क्या है? रेसलर, पहलवान है। पहलवान बजरंग पुनिया ने जकार्ता इंडोनेशिया में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल खिताब में किसको हराया? जापान के ताकाटानी दाइची को हराकर 18वें एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। गाइस समझना कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। 18वीं एशियाई खेल कहां हो रहा है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो ये तो था पहला पदक जीता स्वर्ण के नाम पे, गोल्ड के नाम पे। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें कि पहला पदक किसने जीता, तो इंडियन शूटर्स अपूर्वी चंदेला, भारतीय निशानेबाजों में दो, एक अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार, जो एक 10 मीटर एयर राइफल 2018 एशियाई खेलों में मिश्रित टीम में स्पर्धा में ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता, यह चल रही स्पर्धा में भारत का पहला पदक था। आई बातें समझ में? अब देखो जितने सारे क्वेश्चन थे, हमने साइंस के भी क्वेश्चन देखे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखे, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देखा, करंट का भी क्वेश्चन देखा, हिस्ट्री का भी देखा, यानी ओवरऑल जितने सारे सब्जेक्ट हैं जीके जीएस में सबको हम लोग लेकर चलेंगे। अब कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्विज के रूप में छोड़कर जा रहे हैं, जब कल आएंगे क्लास में तब इसको हम सही कहेंगे। और देखें कितने लोग सही जवाब दिए हैं। कॉफी अन्नान वाज फॉर्म विच अफ्रीकन कंट्री, कॉफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से थे, ये आपके लिए क्विज। आज क्लास यहीं तक। आज की वीडियो गाइज कैसी लगी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और फिर मिलेंगे हम लोग रेलवे के क्लास में 7 to 8, और टुमारो सीजीएल की जो क्लास होती है 4 to 5। तब तक के लिए ये आप अपना अच्छे तरीके से स्टडी करिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।